नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मालतीस किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल के पकौड़े। तो मूंग दाल के पकौड़े बनाने में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, तो चलो देखते हैं। 500 ग्राम ये मूंग दाल है, इसको पानी में 4-5 घंटे के लिए भिंगो के रख दिया था। हमारा दाल फूल गया है, उसको हमने अच्छे से धो लिया है, आधा छिलका निकाल लिया है, आधा नहीं निकाला, ताकि हमारे मूंग दाल पकौड़े कुरकुरे बने। और 2-3 प्याज काट लिए हमने, और मिर्ची काट लिया है, धनिया काट लिया है, अब लाल मिर्च पाउडर है, अब नमक है, इसको स्वाद अनुसार डालेंगे। पहले हम दाल को पीसते हैं। अब इसको मिक्सी में डालेंगे। हमारा दाल पिस गया है। अब इसमें डालेंगे प्याज, धनिया, मिर्ची, मिर्ची पाउडर, नमक, मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर देते हैं। अब हमारा ये मिश्रण तैयार हो गया है, अभी बनाएंगे पकौड़े। अब गैस जला के कढ़ाई रखेंगे इसमें। तेल डाल देते हैं। अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हुआ है। इसको अच्छे से उल्टा देते हैं। अब हमारे पकौड़े बनके तैयार हैं, अब इनको दलिया पे निकाल लेते हैं। हमारे मूंग दाल पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। इसको सॉस और कोई भी चटनी के साथ में खा सकते हैं। तो हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी? यदि हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताएं। तब तक के लिए अलविदा।